गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। टुडे वी विल रिवाइज लेसन नंबर 19 इन जीके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 19 का रिवाइज करेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको वीडियो भेज चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ये लेसन आपको दोबारा से पढ़ाऊँ, ताकि आपको इस लेसन से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। लेसन नंबर इज 19 एंड द नेम ऑफ लेसन इज ट्रैफिक सिंबल्स। ट्रैफिक सिंबल्स यानी कि आप जानते हैं ट्रैफिक सिंबल्स क्या होते हैं। जब आप कभी बाहर जाते हैं, बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, तो आप जैसे भी आप रोड के पास हैं, सड़क के पास आप जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स दिखते हैं। आपको आपने देखा होगा कि रोड की साइड में इस तरह के सिग्नल्स बने होते हैं, और इस सिग्नल्स में लाइटें होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वी सी ट्रैफिक लाइट्स और सिग्नल्स ऑन द रोड। हम रोड पर ये ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक लाइट जो हैं वो देख पाते हैं। देखिए, अब हमारे पास में जो ट्रैफिक सिंबल्स हैं, इन सिग्नल्स में तीन लाइटें होती हैं अलग अलग तरह की। सबसे पहले जो लाइट होती है वो होती है रेड। यहाँ पे देखिए रेड कलर की लाइट होती है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आर। इस आर का मतलब आप समझ लेना कि ये रेड लाइट है। आर का मतलब हो गया ये रेड लाइट है। नंबर टू पे देखिए, यहाँ पर आएगी वाई। वाई से हम बना देते हैं येलो लाइट। इसमें है येलो लाइट। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट इज ग्रीन लाइट। ये देखिए, ये होती है तीन लाइटें हमारी यहाँ पे, ये ट्रैफिक लाइट्स हैं। इस तरह के ट्रैफिक लाइट्स होते हैं और इस तरह के सिग्नल्स होते हैं। ये इस तरह से आपने बने हुए भी देखे होंगे रोड के पास में। तो आज हमें इनके बारे में स्टडी करना है। किनके बारे में? ट्रैफिक लाइट्स के बारे में और ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रैफिक लाइट्स। फर्स्ट लाइट इज रेड। अब ये बताइए, जब आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा कि रेड लाइट जली हुई है, तो रेड लाइट हमें क्या कहती है? रेड लाइट का मीन क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय रेड लाइट? सो वी कैन से स्टॉप सेज द रेड लाइट, और वी कैन से रेड लाइट सेज द स्टॉप। यानी कि रेड लाइट जो है वो रुकने के लिए कहती है कि अभी आपको आगे नहीं जाना है, अभी आपको रुकना है। तो हम कह सकते हैं कि रेड लाइट का मीन्स क्या होता है? स्टॉप। रेड लाइट हमें रुकने के लिए कह देती है कि आप अभी रुक जाइए, अभी आपको थोड़ी देर बाद जाना है। नंबर टू पे हम जैसे पढ़ते हैं वाई से बनेगी येलो लाइट। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपने देखा कि अब येलो लाइट ऑन है, येलो लाइट का मतलब है कि अब आपको वेट करना है, थोड़ी देर रुकना है कि उसके बाद आपकी बारी आएगी चलने के लिए। तो इस मीन्स वी कैन से येलो लाइट मीन्स वी शुड वेट। येलो लाइट का मतलब होता है कि हमें अभी वेट करना चाहिए। सो येलो लाइट का क्या मतलब होता है? येलो लाइट मीन्स वी शुड वेट। नाउ रेड लाइट मीन्स, रेड लाइट सेज स्टॉप्स, येलो लाइट सेज वेट। नाउ लास्ट इज ग्रीन लाइट। सो ग्रीन लाइट सेज गो। ग्रीन लाइट अगर हो जाती है, इसका मतलब अब आपको जाना है, अब आपको रुकना नहीं है, ये है। तो ग्रीन लाइट सेज गो। तो देखिए, हमारे पास तीन लाइट्स हैं, रेड लाइट, रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट, येलो लाइट सेज वेट, एंड ग्रीन लाइट सेज गो। आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि तीन लाइटें कौन कौन सी हैं। तीन सिग्नल, देखिए तीन हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं, इनके अंदर सिग्नल्स के अंदर हमारे पास लाइटें होती हैं। सबसे पहली स्टॉप लाइट, सॉरी रेड लाइट। रेड लाइट का मीन्स होगा स्टॉप। सेकंड नंबर इज येलो लाइट। येलो लाइट का मतलब वेट। और लास्ट इज ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट कौन सी होगी? ग्रीन लाइट सेज गो। तो ये देखिए, ये हमारे पास तीन लाइटें हैं। अब हमारे पास नीचे देखिए कुछ सिग्नल्स बने हुए हैं। ये इतने सारे हमारे पास सिग्नल्स हैं, और ऐसे सिग्नल्स आप रोड पर भी देखते हैं। तो देखिए, इन सिग्नल्स का क्या मीन है? सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। आपको देखो, इस सिग्नल में आपको दिखाई दे रहा है कि एक एरो इधर है और एक इधर है, लेकिन एरो तो दो बनी है, लेकिन इसमें से एक एरो को कट कर दिया गया है। ये देखिए, इस एरो को काटा गया है। इसका मतलब यहाँ पर वन वे है, यानी एक तरह से ही रास्ता जाएगा। तो आपको लिख देना है वन वे।
ये जो सिग्नल हुआ इसका मीन्स हुआ वन वे. नेक्स्ट इज ये देखिए आपको एक नया सिग्नल दिख रहा है नंबर टू पे, और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिग्नल जो है यू जो बना होता है, देखिए हम यू को इस तरह से बनाते हैं और इसमें क्या है यू को ऐसे उल्टा बनाया गया है और उसके बाद उसको कट कर दिया गया है. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं नो यू टर्न, यानी कि आपको यू टर्न नहीं लेना है. नाउ नेक्स्ट इज एक हमारे पास एक सिंबल और भी आया हुआ है. इस सिंबल का मतलब हमें क्या पता होगा, देखिए पी लिखा हुआ है और पी को काट दिया गया है. इसका मतलब होता है, पी का मतलब होता है पार्किंग, और जहां कट कर दिया जाता है उसका मतलब हो जाता है नो, यानी कि इसका मतलब बन जाएगा नो पार्किंग, यानी कि आपको यहां पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी है. नो पार्किंग, ये देखिए ये इसका मीन क्या हो गया, नो पार्किंग, यानी आपको यहां पर कुछ भी पार्क नहीं करना है. नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आगे वाला जो सिंबल हमारे पास आया है उस सिंबल का देखिए, यहाँ पर आपको एक हॉर्न दिखाई दे रहा है और हॉर्न को कट कर दिया गया है. अब कट का मतलब तो हो गया नो, और कट किसको किया गया, हॉर्न को, तो हम इसका मीन समझेंगे नो हॉर्न, यानी कि यहाँ पर आपको हॉर्न नहीं बजाना है. और आपको मैं बता दूं इस तरह का जो साइन होता है वो मोस्टली हॉस्पिटल्स के पास में होता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट होते हैं, और पेशेंट जो होते हैं, जो रोगी होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो उनको क्या है जो शोर होता है गाड़ियों का, उनसे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मोस्टली ये वाला जो साइन होता है वो हॉस्पिटल्स या स्कूल के पास में आपको मिलता है जहाँ पर रोड होती है. और लास्ट में हमारे पास देखिए एक साइन और आया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिए ये एक पर्सन है और पर्सन जो है वो किस पे चल रहा है, ये देखिए हमारे पास ये एक ब्लैक और वाइट कलर का ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई है रोड पर, ये रोड है और रोड पे देखिए ब्लैक वाइट जो स्ट्रिप बनी हुई है उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. ये क्या हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है और हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रास्ता पार करना है. तो हम यहाँ पर जब यहाँ पर ये साइन होता है इसका मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग, तो आप इसको लिखेंगे जेड ई बी आर ए जेब्रा, सी आर ओ डबल एस आई एन जी, जेब्रा क्रॉसिंग. आई होप अभी आपको सिंबल्स लर्न हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मैं आपको इनको दोबारा से रिपीट करके बता देती हूँ. देखिए फर्स्ट नंबर पे तो सबसे पहले तो आप ये देखेगा कि जो एरो कट कर रही है उसका मतलब हमेशा होता है नो. तो देखिए ये एरो कट है और वन वे चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन वे, यानी कि सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, दूसरा वाला बंद है. इसमें देखिए यू है और यू को कट कर दिया गया, यानी इसका मतलब हो जाएगा नो यू टर्न, आपको यू टर्न नहीं लेना है. अब नेक्स्ट में था पी, पी का मतलब पार्किंग, और इसको काट दिया गया है, इसका मतलब नो पार्किंग, ये हो जाएगा नो पार्किंग. अब देखिए यहाँ पर है हॉर्न बना हुआ है और हॉर्न को कट किया गया है, इट मीन्स नो हॉर्न. एंड लास्ट इज ये जेब्रा क्रॉसिंग का साइन दिया हुआ है और यहाँ पे एक पर्सन है, तो इसका मतलब हो जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग. और देखिए मैंने ये लेसन आपको अपनी बुक में भी अच्छे से समझा दिया था, तो मैं आपको अब आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इसमें सबसे पहले जो है रेड लाइट, रेड लाइट से स्टॉप, येलो लाइट, येलो लाइट सेज वेट, एंड जी, जी फॉर ग्रीन लाइट, एंड ग्रीन लाइट सेज गो. अब ये हमारी लाइट्स हैं और ये हमारे सिंबल्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो आपके डाउट्स थे इस लेसन से रिलेटेड वो आज इस लेसन को पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपके वो जो डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएगी. आई होप ये लेसन आपने समझ लिया है. थैंक यू.